जय माता दी। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे महाअष्टमी को खोइचा भरने का शुभ मुहूर्त क्या है इस वर्ष और क्या लगती है इसमें सामग्री और क्या है इसकी विधि। दुर्गा अष्टमी को माता की खोइचा भरने का प्रावधान आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से चलता आ रहा है। संतान सुख की प्राप्ति के साथ हर तरह के मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए खोइचा भरा जाता है। खोइचा संध्या काल में भरा जाता है, इसके लिए इन सामग्रियों का होना जरूरी है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2023 में खोइचा भरने का शुभ समय और मुहूर्त क्या है। महाअष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त संध्या के लगभग 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक है। इस दौरान माताएं एवं बहनें आप संध्या काल में मंदिर में जाकर माता को खोइचा भर सकते हैं, जो कि काफ़ी लाभदायक होगा। हालांकि दिन में भी 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का समय है, अन्य कई टाइम है, लेकिन खोइचा शुभ समय संध्या के समय में ही भरा जाता है। इसीलिए शाम में जाकर माता को अर्पण करना चाहिए। और अब जानते हैं खोइचा भरने की किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या इसकी विधि है। पंडित जी ने कहा, सबसे पहले व्रती को अपने साथ 5 मिट्टी का दीपक अवश्य लेकर जाएं और उसे मंदिर में जरूर जलाएं, जैसे कि धान, दुबरी, हल्दी का गांठ वाला 5 पीस पान, 5 सुपारी और मिठाई और बताशा, साथ साथ कुछ पैसा या द्रव्य और श्रृंगार का सामान मैया को चढ़ाया जाता है। अगर आप विस्तृत रूप से ये करना चाहते हैं तो साड़ी, साया, ब्लाउज सहित अन्य कई श्रृंगार सामग्री हैं जो कि होनी चाहिए। इसके साथ साथ 5 पीस पान अवश्य होनी चाहिए। इन सभी सामग्रियों को एक चुनरी में बांध लें और अपने आंचल से ढककर मंदिर ले जाएं। मैया के दरबार में जाएं और वहां मौजूद दरबार में पंडित जी को देकर मैया के चरणों तक पहुंचाने की अर्जी लगा दें। ये संतान सुख धन प्राप्ति के लिए भरा जाता है। पंडित जी कहते हैं, कई लोगों का ये कहना होता है कि वो उपवास नहीं करते हैं, फलाहार भी नहीं करते, या आप किसी कारणवश खाना भी खा लेती हैं तो भी आप खोइचा भर सकती हैं। उन्होंने कहा कि माता के प्रति श्रद्धा हो, आप खाना खाने के बाद भी खोइचा भर सकते हैं। खोइचा भरने से आप अपनी सभी मनोकामना की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पोस्ट को यहाँ पर आप समाप्त करते हैं और चाहते हैं आप सभी से आज्ञा स्वीकार कीजिए। मेरा सास्नेह प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। बीमारी की वजह से बोलने में परेशानी है, कृपया आप सभी लोग अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।